नमस्कार दोस्तों, यशपाल। पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एयरटेल की गलती की वजह से मेरा नंबर, मेरी सर्विसेज सब बाढ़ कर दी गई और एयरटेल कुछ भी मानने को तैयार नहीं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जहां स्टोर, एयरटेल स्टोर जहां मैंने वो पेमेंट की थी, उनका क्या कहना है। वो एक्सट्रिंग ऑपरेशन था जो इसकी मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई। आज मैं बताता हूँ कि कंज्यूमर हेल्पलाइन, अब कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या करता है। कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने बात की, उन्होंने मुझे दो तीन ऑप्शन दिए कि एयरटेल में मेल करो, उनका जवाब आएगा तो अब बताते हैं। लगभग एक महीना उन्होंने मुझे इसी तरह से कराते रहे। लास्ट में आर के कहते हैं जी फाइल कर दो, अब इनके खिलाफ। अब फाइल में भी मुझे जनकपुरी का एड्रेस दिया, जहाँ मैं जनकपुरी पहुँचा, फाइलिंग वगैरह तैयारी की सब कुछ, तो वहाँ मुझे पता चला जी ये केस वहाँ रजिस्टर नहीं हो सकता और इसको रजिस्टर करने के लिए मुझे गुड़गांव में जाना पड़ेगा। अब एयरटेल की गलती और भुगत रहा हूँ मैं, और केस करने के लिए मुझे अब गुड़गांव में जाना पड़ेगा। मतलब जहाँ मेरा बिजनेस इतना ख़राब हुआ उनकी वजह से, वहाँ मुझे और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, गुड़गांव के चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे और खर्च करने पड़ेंगे। अब आप बताओ क्या ये सही है। मैं लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा ही होगा? बड़ी बड़ी कंपनियाँ गलतियाँ करेंगी, कंज्यूमर को धोखा देंगी और उनके साथ यही सब कुछ होगा? तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। धन्यवाद।